हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2021 को बीसीसीआई के द्वारा पोस्टपोन किया जा चुका है, लेकिन आईपीएल 2021 के दोबारा रिज्यूम करने के साथ साथ एक और ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप लोग आईपीएल के फैंस हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, और ये आती है आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि मेगा ऑक्शन को लेकर क्या बड़ी अपडेट आ चुकी है। इसके साथ ही दो नई टीमें भी ऐड होने वाली हैं, उसके टेंडर को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आईपीएल 2020 के बाद जब आईपीएल 2021 होने वाला था तो वो मेगा ऑक्शन का ईयर था, यानी कि इस साल ही हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला था। लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के चलते बीसीसीआई को आईपीएल को एंड मोमेंट पर एडजस्ट करना पड़ा था भारत में ही, जिसकी वजह से मेगा ऑक्शन के ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया गया था। और बीसीसीआई ने इस बात को साफ कर दिया था कि मेगा ऑक्शन आप लोगों को अगले साल यानी कि आईपीएल 2022 में देखने को मिलेगा। अब क्योंकि इस बार का आईपीएल 2021 थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन हो चुका है और बीसीसीआई इस टाइम पे हाथ धरे तो बैठने नहीं वाली, वो आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन की तैयारियों में जुट चुके हैं, जहां पर उन्होंने इस बात को पहले ही बता दिया था कि मेगा ऑक्शन में 3+2 का रूल होगा। 3 प्लेयर्स को आप रिटेन कर सकते हैं, 2 प्लेयर्स के ऊपर आप आरटीएम लगा सकते हैं, टोटल 5 प्लेयर रिटेन होंगे। लेकिन गाइज, ये चीज बाद में चेंज हो गई थी क्योंकि बीसीसीआई ने बोला था कि अगर आरटीएम भी दे दिया जाता है टीमों को तो फिर जो दो नई फ्रेंचाइज आ रही है उनको बड़े बड़े प्लेयर्स तो मिल ही नहीं पाएंगे, यानी कि आरटीएम कार्ड मोस्ट प्रोबेबली इस बार मेगा ऑक्शन में हटने वाला है। अब गाइज, अगर बात की जाए मेन पॉइंट की कि अभी हम लोग मेगा ऑक्शन के बारे में इतनी जल्दी क्यों बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बीसीसीआई के स्टेटमेंट के हिसाब से जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मई में ही उन दो नई टीमों के लिए टेंडर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो जो दो नई टीमें ऐड होंगी उन दो टीमों के लिए जो बिडिंग होती है, उन दो टीमों के जो ओनर्स होंगे, उन दो टीमों का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि कुछ प्लेयर्स उनको दिए जाएंगे, कुछ पैसे उनके कटेंगे, ये सभी प्रोसेस बीसीसीआई के स्टेटमेंट के हिसाब से आप लोगों को मई के ही सेकेंड या फिर थर्ड वीक में देखने को मिलेगी। जिसका मतलब है कि जो भी दो नई फ्रेंचाइज ऐड होंगी उनका सारा का सारा काम, उनका फॉर्मेशन, इसके साथ ही कौन उनका मालिक होगा, ये सभी चीजें आप लोगों को मई के महीने में ही देखने को मिलने वाली हैं। अब गाइज, अगर बात की जाए उन दो नई टीमों की, तो उन दो नई टीमों में नाम निकल कर आता है पहले नंबर पर अहमदाबाद लॉयंस का, जो कि ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी है, ये बात हम आपको करीब एक साल पहले से बता रहे हैं। और दूसरे नंबर की टीम की बात की जाए तो यहां पर लखनऊ और पुणे में से कोई एक टीम आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आईपीएल 2021 कैंसिल होते ही बीसीसीआई ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। तो गाइज, ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।